सरकार के रुपया डूब गई, समस्या डीएम साहब एक ही बात कला कि हमारे पास खरीदवाओ, हमारे बस के चीज़ नहीं थे और लोग खरीदे के काम चालू कर दे बात रघु सब खरीदी ना तो जौन बा पैक्स ये धान खरीदारी के जौन बात बा दे दिए दिहरियाई जीविका के अथवा। देखिए ऐसा है कि पिछले दिन जब हम लोग बैठक किए थे सभी सम्मानित अध्यक्ष के जिले के, तो आप लोगों ने उस समय भी यहाँ सभा में आप लोग आए थे, प्रेस और मीडिया के भाई लोग, जो हम लोग का मुद्दा था उससे आप लोग पूरी तरह अवगत हैं। हम लोग का ये मांग था राज्य सरकार से और खाद आपूर्ति मंत्री से और माननीय नीतीश कुमार जी जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि जो धान अधिप्राप्ति पिछले साल जिस तरह हम लोगों ने भोजपुर जिला में किया कि आधा अरवा और आधा उसरा था और जो चार पांच ब्लॉक यहाँ से 50 किलोमीटर के दूरी पर थे, जैसे सहार था, गियाँव था, तरारी था, संदेश था, गड़ैनी भी था और बाद में और सब जो हमारे प्रखंड थे जो 30% 20% उसरा चावल दे देने के बाद उन लोगों को भी जो हमारे तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे श्री रोशन कुशवाहा साहब, उन्होंने कर दिया था और उस समय 60% जो हमारा पैक्स का जो धान था वो चावल में सीएमआर बन के 100% हम लोग एसएफसी को आपूर्ति कर दिए थे। इस पर जो राज्य सरकार ने फैसला किया है, दो तरह का फैसला किया है, बगल के हमारा जिला है गोपालगंज, बगल का जिला है छपरा, बगल का जिला है सिवान, बगल का जिला है अरवल, बगल का जिला है जहानाबाद, इन सभी जिलों में 100% अरवा चावल राज्य सरकार ले रही है और भोजपुर में ही कोऑपरेटिव बैंक के अधीन ही हमारा बक्सर जिला है, वहाँ भी 30% और 70% 30% अरवा चावल और 70% उसना चावल बक्सर जिला में भी अभी लिया जा रहा है। वहाँ के जिला पदाधिकारी ने कल वहाँ बैठक था उसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप एक एप्लीकेशन सभी अध्यक्ष से बना करके दिलवाइए, उसको हम राज्य सरकार के यहाँ भेजेंगे और कहेंगे कि कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अरवा हो सके उसको हम करने का कोशिश करेंगे। हमारा मुख्य जो मांग है यही है कि जो हम लोग पिछले दिनों बैठक में करके ये निर्णय लिए थे कि पिछले साल के भांति ही हम लोग के जिला में अरवा और उसना का परसेंटेज करके कर दिया जाए, कि इस तरह का जो सरकार का निर्णय है कि हमारे जिला को 100% में रखा गया है कि 100% आपको उसना चावल देना है। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, यहाँ 10 राइस मिल ऐसे हैं पैक्स को जहाँ से 60 से 70 करोड़ रुपया राज्य सरकार का कर्ज है उस पर, और उसको भी वंचित कर दिया गया है अरवा चावल देने से। और वही हमारे बगल जिला में बक्सर जिला में जितना भी मिल है सरकार के द्वारा जो अरवा मिल, उस सबको अरवा चावल से टैगिंग कर दिया गया है। इसलिए आज हम लोग फिर इस बैठक के माध्यम से और हमारे 14 प्रखंड के जो हमारे सम्मानित पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग आए हुए हैं और उन सभी लोगों की राय है कि सरकार को हम लोग को सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। और ठीक है, सरकार की नीति है, सरकार के नीति से हम लोग अलग नहीं होते हैं। आपको मालूम होगा विगत विधान परिषद में माननीय नीतीश कुमार जी ने यह आश्वस्त किया था किसी के प्रश्न पर कि हमको समझाइए मत, हम जानते हैं कि सिर्फ शाहबाद अरवा चावल खाता है, उसके बाद चरवा अरवा चावल जो शाहबाद खाता है तो शाहबाद को अरवा चावल से रहने देना चाहिए था, फिर उसने यहाँ तो कोई खाता नहीं है। इसलिए फिर हम आज इस बैठक के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं सभी अध्यक्ष कि हमारे जिला में
कम से कम आधा अरवा और आधा उसना किया जाए ताकि किसानों का धान हम लोग खरीद के और किसानों पर किसानों का धान तो धान जो खलिहान में खेत में पड़ा हुआ है और उनके घर पर उसको हम लोग ले सके और जो सरकार की नीति है जो अधिप्राप्ति की उसको हम लोग सफल बना सके। जय हिंद जय सर। सवाल है।